इससे तो साफ जाहिर है कि ये एक माँ की कहानी है और मतलब जो सारे पहलू होते हैं ममता के वो इसमें बड़ी वफादारी से पेश किए गए हैं और सबसे अहम बात ये है कि ये फिल्म हमीद सर की है तो आप समझ सकते हो कि जज्बात जिस तरह पेश किए जाएंगे उसमें कितनी सच्चाई होगी सादगी होगी और अच्छाई भी होगी। ये फिल्म मैं सिर्फ और सिर्फ हमीद सर के लिए कर रही हूँ और कहानी बहुत ही अच्छी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो दर्शक है ये इससे बहुत आसानी से रिलेट कर सकेंगे क्योंकि ये घर घर की कहानी है, हर माँ की कहानी है। आपने पहले बहुत सारे काम किए, शो किए हैं जी, क्या कहते हैं इस स्क्रिप्ट में ऐसा क्या खास मिला जो आपने एक्सेप्ट किया? सच्चाई, सच्चाई बहुत अच्छी लगी मुझे। और मैम ये कहना चाहूँगा कि आज के दौर में आप देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है वो अब तो क्या कहना चाहेंगे, ज़्यादा अहम है न्यूक्लियर फैमिली, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से बदल रहा है माहौल और कितना ज़्यादा परिवर्तन आना चाहिए उस चीज़ में? एक बात कहना चाहूँगी कि देर इज़ नो ब्लेम गेम। अगर न्यूक्लियर फैमिलीज़ है और जॉइंट फैमिलीज अभी नहीं नज़र आती मेट्रोपोलिस में तो मैं नहीं सोचती कि ये किसी एक की गलती है, ये समय की भी ज़रूरत है, कई बार तो ये समय की भी ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे जो भारतीय रूट्स है, इंडियन रूट्स है, एक बहुत अच्छी उक्ति है, वंस यू हैव द रूट्स ऑफ कल्चर द विंग्स ऑफ फ्रीडम शुड नॉट बी फियर। तो हमारे भारतीय रूट्स अगर बरकरार रहे तो फैमिली न्यूक्लियर हो या जॉइंट हो, रिश्ते कायम रहना बहुत ज़रूरी। मैम इस किरदार के लिए कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ी और क्या ब्रीफ दिया गया था सर की तरफ से? कहानी तो पूरी बताई थी सर ने और जहाँ तक अभ्यास का सवाल है तो बस इनकी तरफ देख लूँ, अभ्यास हो गया। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज के दौर में मतलब पेरेंट्स चिल्ड्रन रिलेशन पे बहुत कम फिल्म आती, बागवान आई थी, उसके बाद ऐसी बहुत कम फिल्में आती, तो कितना ज़रूरी है इस तरह की फिल्म आना ताकि लोग रिलेट कर सके अपने लाइफ। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा संजीदगी से, बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक बॉन्ड्स का सवाल है, बच्चे माँ बाप पेरेंटल बॉन्डिंग का जो सवाल है ये तो ज़रूरी, मतलब कंटेम्पररी रियलिटी है कि वी रियली नीड इट। सर मैं तो मुझे कुछ ज़्यादा ब्रीफ मिला नहीं और ना मुझे चाहिए, बस हमीद साहब को देख लिया तो हमीद भाई हैं तो पूरा ब्रीफ है और मेरे ख्याल से एल बी इनके शुभ कार्य में मैं कुछ रोड़े अटकाऊंगा और ये माँ है तो सारे रोड़े जो हैं हटा के और ये शिल प्रोसीड टू हर। तो सर एक कैरेक्टर को प्ले करना होता है जिसमें इन्फ्लुएंस हो, दर्शक वो कितना बड़ा चैलेंज होता है किसी आर्टिस्ट के लिए? नहीं डेफिनेटली चैलेंज, छोटा हो करेक्टर या बड़ा हो तो चैलेंज तो होता ही है। यू हैव टू पोर्ट्रे, आपको अपने पर्सनैलिटी से बाहर निकल के आप उस करेक्टर में घुस रहे हैं, उस करेक्टर को पोर्ट्रे कर रहे हैं, आप हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों को दिखा रहे हैं, उनको कन्विंस कर रहे हैं कि यू आर दिस, तो इट्स चैलेंजिंग जॉब। अच्छा फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, सर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की बात करें तो काफ़ी कम वक्त रहता है, तो वो कैसे मैनेज करते हैं फैमिली अफेयर्स को अगर देखा जाए तो? कहाँ पे आई कुडन्ट गेट यू, निजी तौर पे फैमिली होते हैं वो फिल्म मतलब फिल्म में ज़्यादा समय देते हैं और फैमिली को कम टाइम दे पाते हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं, फैमिली को भी टाइम मिलता है, फिल्म को भी होता है, तो सर सालों से तो प्रथा चली आ रही है और खुश है लोग काफ़ी। पर हमें सर के मैंने क्या कहना चाहेंगे, और फिल्म मैंने सफल फिल्म डायरेक्ट की है तो उनके डायरेक्शन में काम करना कितना बड़ा हमीद भाई के डायरेक्शन में बहुत बहुत एक लगता है कि हम लोग काम नहीं कर रहे, पिकनिक बना रहे हैं और बहुत आराम से काम होता है, कहीं टेंशन नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, हर चीज़ हर सुख सुविधा का ख्याल रखा है, आपको किसी चीज़ के लिए कहने की ज़रूरत नहीं। तो मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है बहुत ही अतरंगी टाइप की है, बहुत ही नौटंकी वाली माँ है जो हर वक्त कुछ ना कुछ नौटंकी, टूटी फूटी इंग्लिश कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहती है, मस्ती करते रहती है कैरेक्टर के साथ। और जो हमीद जी ने मुझे मेरे कैरेक्टर के लिए ब्रीफ किया, मैं भी एक माँ का रोल ही प्ले कर रही हूँ इसमें, तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और जब हमीद जी है तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, वो करवा लेंगे, मुझसे काम निकलवा लेंगे। निशी मैम भी है और निशी जी के साथ हमने वैसे भी पहले भी बहुत काम किया हुआ है, तो अगेन हमें यहाँ पे हमारे जितने साथी कलाकार हैं सभी एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं तो अच्छा लगा कि सब अपने लोग ही मिल गए,
हमिद जी के साथ पहली बार कर रही हूँ तो नेचुरली इंटरेस्टिंग है और मैं करना भी चाहती थी तो मौका मिल गया मुझे उनके साथ काम करने का। जी मैंने अक्सर जो फिल्में बनाई हैं चाहे मेहंदी हो आ गले लग जा हो श्रद्धा हो पुलिस पब्लिक कानून मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट पे बनाई लेकिन हर कहानी में इमोशंस ज़रूर होते हैं रिलेशन ज़रूर होते हैं तो अभी तो मैं ये कर रहा हूँ ये होती है माँ और माँ कभी फेल नहीं होती है नालायक कितना भी औलाद नालायक हो तो माँ को जो किसी भी हाल में कहीं ना कहीं तो याद करता है तो हमारी इंडस्ट्री में जितनी भी माएँ बनी हैं वो फेल नहीं हुई हैं और इसके अलावा जो रियल में है वो माँ कभी फेल नहीं होती है और ये एक इमोशनल सब्जेक्ट है साथ में कमर्शियल भी है लोगों की हंसी मजाक के लिए भी मैंने इसमें प्रबंध किया हुआ है। तो सर ये कहना चाहूँगा कि आज के दौर हम देखते हैं नहीं भैया देखो क्या है कि कब क्या होगा किसी को पता नहीं है मैं किसी को नाम नहीं लेना चाहूँगा आप बड़ी बड़ी फिल्मों को भी अच्छे देख चुके हैं छोटी फिल्में भी चली हैं तो कंटेंट चलता है कोई एक्टर नहीं चलता कुछ नहीं चलता तो हमें जो अपने कंटेंट पे अपने सब्जेक्ट पे अपने एक्टरों पे भरोसा है और मैंने ये सोच के नहीं मैं इनको लूँ इनको मेरे रोल में जो फिट हो रहा था उस हिसाब से मैंने एक्टर चूज़ किए हैं कुछ नए लिए हैं कुछ पुराने लिए हैं तो उस हिसाब से मैं काम करता हूँ। सर इसके अलावा मेहंदी 2 भी आने वाली है तो उसके जी मेहंदी 2 भी आप स्टार कास्ट होने वाली है फिल्म मेहंदी 2 में लड़की जो होगी वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस वन मोर रानी मुखर्जी लाइक दैट बाकी कुछ पुरानी स्टार कास्ट उस फिल्म की होगी मेहंदी की और बाकी कुछ नहीं होंगी तो उसका बैनर भी बना हुआ आपको भी मैं कवर करने को दूंगा। मेहंदी 2 मैंने अनाउंस नहीं किया था काफ़ी दिनों से उस पर काम कर रहे थे क्योंकि हमको टाइटल नहीं मिला था तो अभी हमको टाइटल मिल गया है मेहंदी 2 तो सीना ठोक के अनाउंस कर रहे हैं कि बना रहे हैं। जी रानी मुखर्जी के साथ इस बारे में कुछ बात हुई थी आपकी कि नहीं नहीं किसी के यार रानी मुखर्जी किसकी पकड़ स्पेशल अपीयरेंस पे नहीं नहीं कोई नहीं होता वो हम कुछ शॉर्ट यूज जब उनके यूज़ करेंगे उस टाइम बात करेंगे अभी ज़बरदस्ती कि मैंने ये किया कुछ फ़ायदा नहीं होता है जो मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूँ प्रैक्टिकल काम करता हूँ हाँ ये है उनसे मिलना है तो आसानी से मिल सकते हैं उनको बात करना है आसान लेकिन वो इस फिल्म में नहीं है आगे क्या होगा वो देखते हैं। लेकिन जब मेहंदी में रानी थी तो काफ़ी पावरफुल हाँ तो ये किसी चीज़ का कोई एंड नहीं होता दिलीप साहब चले जाएंगे अमिताभ बच्चन चले जाएंगे तो इंडस्ट्री तो चलती रहेगी रानी मुखर्जी के बाद भी उससे भी अच्छी एक्ट्रेस आती रहेंगी। तो आपका काफ़ी योगदान उनके करियर में क्योंकि नहीं ये तो ये टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है हमने कई लोगों को चांस दिए बहुतों को चांस दिए तो कुछ ऊपर आए कुछ नहीं है तो टैलेंट के ऊपर ये टैलेंट था उनके अंदर तो उन्होंने करके दिखाया तो ये वर्ग एक्टर के अंदर भी होता है ना। ये बहुत हंसाने वाले हैं इसमें हंसाएंगे भी थोड़ा इमोशनल भी है जैसे हामिद भाई ने बताया जो डायरेक्टर हमारे हामिद अली इनको मैं काफ़ी 5-6 प्रोजेक्ट कर चुका हूँ पहले और मेरे लेफ्ट में त्रिलोकी जी बैठे हैं हमारे कैमरा मैन इनके साथ भी काफ़ी काम किया मैंने बाकी शेखर भाई के साथ तो देखा ही होगा आपने FIR में हम बहुत दिनों के बाद FIR के बाद इकट्ठे काम कर रहे हैं इस फिल्म में तो इसमें जो मेरा करेक्टर है वो निशी जी के घर में सर्वेंट है सर्वेंट नहीं कह सकते हम उनको लेकिन हमें अपने फैमिली मेंबर की तरह ही मानती हैं वो भी नौकरों या सर्वेंट वाली बात नहीं है इसमें बहुत जितना बताया हामिद अली जी ने डायरेक्टर साहब ने और बड़े दिनों के बाद निशी जी से मिला मैं काफ़ी दिनों के बाद इनके साथ काम किया था और ये अपने बैठे हैं पृथ्वी जी इनके साथ भी काम किया मैंने और अच्छा है मतलब जितना भी बताया मेरे को फैमिली ड्रामा है और इमोशनल भी है कॉमेडी तो हम करेंगे ही करेंगे ऐसा करके कुछ कमेंट तो नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ये सब जो है वो इंडिविजुअल होता है कॉमेडी का टाइमिंग वगैरह जो भी है कोई प्रयत्न करता है कोई किसी को नेचुरल आता है जैसे लोगों ने कहा है या तो जो लोग देखते हैं वो लोग कहते हैं कि हम लोग नेचुरल कॉमेडियन हैं मैंने हमें वो एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं कॉमेडी के लिए जबकि आप जो पूछ रहे हैं कि आजकल लीड रोल वाले भी कॉमेडी करते हैं तो वो लोग कभी कभी ऐसा दिख रहा है कि वो लोग ट्राई कर रहे हैं नेचुरली नहीं आ रहे खैर सबकी इच्छा पर्सनल इंडिविजुअल है डायरेक्टर चाहते हैं प्रोड्यूसर चाहते हैं कि आप ही खुद करो तो कोई बात अलग है लेकिन यहाँ पे हमीद अली जी ने हमें मौका दिया हुआ है कि नहीं आप ही करोगे हम और गोपी भल्ला जी दोनों सर्वेंट के रोल कर रहे हैं लेकिन वो अलग से करें हम अलग से करें दोनों की कॉमेडी अलग से मिलेगी आपको मज़ा आएगा और
मैं शुक्रगुजार हूँ हामिद जी का कि पहली बार मैंने फर्स्ट टाइम उनके साथ मैं ये काम कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे कास्ट किया है, तो थैंक यू वेरी मच। और अगेन शुक्रगुजार हूँ गोपी जी का, क्योंकि गोपी जी ने मेरा नंबर दिया तब जाके मैं इस प्रोजेक्ट में शामिल हुआ हूँ। बाकी को आर्टिस्ट बहुत बढ़िया है, निशी जी वगैरह, पृथ्वी जी, सारे पहचान वाले कलाकार हैं, इनके साथ कहीं ना कहीं काम कर चुका हूँ मैं, तो ये प्रोजेक्ट में भी बहुत ही मज़ा आएगा। और हामिद जी के अंडर में काम करने का पहली बार मौका है, देखते हैं क्या होता है, बाकी ऐसी होती है माँ। हाय, मेरा नाम हर्षिता कश्यप है और मैं इसमें रश्मि का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि ये फैमिली बेस्ड स्टोरी है, बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, एंड हामिद सर की हमेशा से बहुत बड़ी फैन रही हूँ, मेहंदी से ही, सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू वर्क विथ हिम, एंड ऑफकोर्स दिस इज़ अ फैमिली ड्रामा, रेगुलर स्टोरी है, तो आई थिंक ऑडियंस इसे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। नहीं, मैंने बहुत सारी मूवीज़ में भी काम किया हुआ है, दे आर येट टू रिलीज़, बट हामिद सर के साथ ऑफकोर्स एक कनेक्शन था, एक ऐसी मूवी करनी थी जो कि फैमिली बेस्ड हो, जिसे लोग रिलेट कर पाए, तो ऑफकोर्स आई एम वेरी एक्साइटेड। बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आर्टिस्ट तो इमोशंस को ही अच्छे तरीके से पर्दे पर उतारते हैं, चाहे वो रोने धोने वाला हो, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो एरोगेंस हो, क्योंकि मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा एरोगेंट है, तो आई थिंक वो उतना ही डिफ़िकल्ट होता है जितना रोने में आपको लगता है, जितना हंसने में लगता है, बट ऑफकोर्स आर्टिस्ट का काम ही यही है। हाई, माय नेम इज़ आरती गुप्ता, एंड इस मूवी में मैं रचिता का करेक्टर प्ले कर रही हूँ। अगेन इट्स अ नेगेटिव करेक्टर जो अपनी सास के अगेंस्ट पूरी प्लॉटिंग एंड ऑल करता है, एंड बट आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज हामिद अली सर के साथ रानी मुखर्जी ने अपना करियर स्टार्ट किया था, एंड नाउ शी इज़ अ स्टार, तो आई एम ऑल्सो होपफुल दैट उनके साथ, इट्स नॉट अ स्टार्ट बट या इट्स अ स्टार्टिंग ऑफ माई करियर, आई हैव डन फ्यू मूवीज, बट दिस इज I can say that I'm working with a very good director. So I'm really excited that I'm going to get good mileage and good footage, because here I'm getting the chance to work with Nishigandha ma'am, and Hamid sir is there, and there are a few other very well-known names. So really excited. As an actor, who inspired you as an... As an actress, I would say like Priyanka Chopra is my idol, obviously. And there are many. I would say like who are on top, they are because of their talent and their presence. Their aura is something like that. They ought to be the star only. बट आई वुड से एक नेगेटिव करेक्टर जो होता है वो हमेशा अपनी स्क्रीन पे एक अपनी मार्क छोड़ के जाता है। आप देखिए, अगर आप हिस्ट्री में भी जाके देखें तो शाहरुख खान स्टार्टेड विद अ नेगेटिव करेक्टर, प्रियंका चोपड़ा स्टार्टेड विद अ नेगेटिव करेक्टर, तो एक अपना ही एक प्रेजेंस क्रिएट कर देता है नेगेटिव, एंड यू नो ऑब्वियसली एक मसाला होता है वो, देर आर हमेशा यहाँ पे नौ रस होते हैं, हमारी एक्टिंग में नौ रस होते हैं, शांत रस इतना एक्साइटिंग नहीं होता है, अगर आप उसमें कोई मसाला डाल देते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। श्वेता मिश्रा एंड आई एम प्लेइंग स्नेहा रोल इन दिस मूवी, और मेरी ये फर्स्ट मूवी है सर के साथ, हिंदी मूवी, सो आई एम वेरी एक्साइटेड ऑल्सो, और थोड़ी सी नर्वस भी हूँ कि फर्स्ट टाइम मैं काम कर रही हूँ सर के साथ, आई डोंट नो कि कैसे करना है, एंड आई एम प्लेइंग पॉजिटिव रोल, और थोड़ा बहुत ही हटके स्टोरी है जो आजकल चल रहा है रियल लाइफ में, उसके बेस पर है। मैं बहुत ही अपने आप को लकी समझती हूँ कि सर ने मुझे कास्ट किया है, और मैं बहुत ही एक्साइटेड भी हूँ और होपफुल भी हूँ, बिकॉज जैसे इन्होंने कहा कि रानी मुखर्जी को भी उन्होंने स्टार बनाया, फर्स्ट ब्रेक दिया, तो मेरे को भी वही करना है बस। ऑडिशन रोशन कुमार है, इसके बाद मैंने हामिद सर के साथ इसके पहले भी मैंने काम किया है फिल्म मेकिंग, जो कि अभी रिलीज पर होने जा रही है, और इस फिल्म में मेरा एक कॉमेडी करेक्टर है मेरा कॉल्ड चिरांत करके, बाकी मैं इस फिल्म से काफ़ी हमारा जो यूनिट है फैमिली के रहा है, तो स्टार्टिंग से मैं जुड़ा रहा हूँ, और मैं इसके लिए भी अभी इस फिल्म में उन्होंने मुझे कास्ट किया है, ये होती है माँ, तो एक कॉमेडी करेक्टर में कास्ट किया, तो मैं उनके लिए हामिद सर, तिलोक सर, बाकी हमारे आर्टिस्ट है, सीनियर आर्टिस्ट है, निशी मैम है, पृथ्वी जी है, तो इन्होंने काफ़ी इनका सहयोग रहा है, इसकी वजह से मुझे आज दोबारा मौका मिला है उनके साथ काम करने का, तो मैं उनको काफ़ी धन्यवाद देंगे, हामिद सर है, तिलोक जी हमारे सीनियर, पृथ्वी जी है, सबको, बाकी हमारे जो नए आर्टिस्ट हैं उनके साथ मिले काम करने में बहुत मज़ा आएगा, और एक फिल्म अच्छी जगह पे जाए, अच्छी तरह से सक्सेस हो, बस यही मैं कहना चाहूँगा। सर, हामिद अली की फिल्म कितनी उत्साहित
इस मूवी में मेरा वैसे तो एक सबसे जो मेरी जो माँ है जो मेन टाइटल है उनका सबसे छोटा बेटा हूँ मैं मेरे बड़े भाई का किरदार ये निभा रहे और हामिद अली सर ने इस प्रोजेक्ट पे मुझ पर भरोसा करा इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया और अब यही एक प्रार्थना है और यही एक मेहनत है कि बस इस जो किरदार को मुझे निभाना है उसको पूरी शिद्दत से निभाऊं और जो जिम्मेदारी है मेरे कंधों पर उसे पूरी मेहनत के साथ करूं। देखिए ये जो इमोशन है एक्चुअली में ये रोल नहीं है इमोशन बोलेंगे कि इसमें एक माँ के लिए साथ में है तो हम पॉजिटिव हैं और माँ का साया जब हमारे सर से हट जाता है तो सब कुछ ही नेगेटिव रहता है एक इमोशन ही है ये डेब्यू मूवी है और यू हैव अर्लियर वर्क इसके पहले भी मैंने दो मूवी कर चुका हूँ एज ए लीड बट येट अभी रिलीज नहीं है सर दोनों में से क्या समझ रहे हैं किसमें बेहतर आप करने वाले हैं नहीं जब आप कोई भी काम जिस वक्त आप करते हैं उस वक्त सोचिए आप वही काम कर रहे हैं तो इफ़ यू आर डूइंग एक्टिंग देन यू शुड पुट एफर्ट्स फॉर एक्टिंग ओनली पहला और दूसरा क्या है कि ये जो माँ फिल्म है तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला सक्सेस हमारे कि हमारी टीम जब तक टीम वर्क नहीं होता है एक अच्छी टीम के से ही एक अच्छी चीज़ें बाहर आती है तो हमारे एक्टर हमारे जितने राइटर हैं हम लोगों ने लगभग एक साल डेढ़ साल स्क्रिप्ट पे काम किया है एक्चुअली हम लोगों कंटेंट जो है कंटेंट एक पब्लिक को क्या चाहिए एक अच्छी फिल्म इंडस्ट्री को देना चाह रहे हैं और अच्छी टीम मिली है आई एम सो लक्की के जितने भी एक्टर हैं हमारे राइटर मनोज कुमार हामिद अली खान डायरेक्टर साहब तो माँ को बनाने के लिए एक ऐसे एक्सपीरियंस आदमी की ज़रूरत थी मुझे जो फैमिली ड्रामे और इमोशन का नॉलेज रखें तो उस हिसाब से हामिद अली काफ़ी तजुर्बेकार डायरेक्टर रह चुके हैं और मेरा फर्स्ट स्टेप यह है कि हमारी टीम बहुत अच्छी बन गई है तो आपके सामने सारे आर्टिस्ट देखे होंगे तो इसमें मैं 110% कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारी फिल्म काफ़ी अच्छी करेगी और हम एक अच्छी चीज़ इंडस्ट्री को देंगे ज़्यादातर प्रोड्यूसर जो है प्रॉफिट मोटिव देखते हैं ये एक सेंसिटिव फिल्म लग रही है तो क्या करना चाहिए कितना जरूरी है सोशल या सेंसिटिव फिल्म को बैकअप करना प्रोड्यूसर को देखिए फिल्म का प्रॉफिटेबिलिटी बाद में पहला जो अपना प्रोडक्ट पे फोकस करना है हम लोगों को एट द एंड ऑफ द डे आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं तो अगर आप पहले बना रहे हो तो आप पूरा एफर्ट प्रोडक्ट पे डालो इसलिए हमने एक एक डायलॉग एक एक सीन अच्छे से रखा है अच्छे से किया है तो हमारा अभी फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन है प्रोडक्ट तो हम एक अच्छी चीज़ देंगे तो कब तक ये फिल्म पर्दे पर देखने के लिए कहाँ कहाँ शूट होगा क्या प्लानिंग क्या आगे इसके कुछ आउटडोर भी हैं और ज़्यादातर शेड्यूल हम मुंबई में ही लगाएंगे और बस कंप्लीट हो जाएगी फिल्म तो हम थैंक यू इस तरह के अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ कितने उत्साहित इस फिल्म को लेकर डिजाइन करने के लिए कितना मतलब ब्रीफ करते हैं या फिर वेल बहुत एक्साइटेड हूँ ये मूवी को लेके बिकॉज सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और ये बहुत खुशी है जस्ट बिकॉज माई फादर इज़ द डायरेक्टर ऑफ द मूवी आई एम नॉट सेलेक्टेड ऑन दैट बेसिस बिकॉज आई लाइक द स्क्रिप्ट लाइक यूजली ही डज दिस मूवी आई ऑलवेज डोंट वर्क विथ हिम सो दिस वन आई इंसिस्ट दैट प्लीज कैन आई डू इट एंड कैन आई बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट बिकॉज आई लव द स्क्रिप्ट So what do you want to say? You know, father, the director, you're designing the book. What difference between the profession as a... Did you like to do direction for that part? Well, one thing at a time. I'm loving what I'm doing right now. But maybe in the near future or something, let's see. And what really inspired you? And what would you comment on the kind of design made in Bollywood films and in the television industry? I mean, it should be improved. It should have more elegance as such. Well, luckily it's improving from where we were to where we are going. We no longer dominate the wrong fashion scene in the movie scene anymore because now we have more knowledge of because of Instagram, fashion magazines and bloggers and everything. So we are getting towards real fashion and not like living like in the 90s like ki humne soch liya ki nahi Bollywood ne ye pehen liya to yahi fashion hai. Fashion universe aur Bollywood ka ek acha milan ho gaya hai. So we've become much more unique now. As a designer, who inspired you to design? Well, as a designer, I always looked up to Abu Jani Sandeep Khosla and I got like an opportunity to work with them. I started my career with them for like 3 years I used to work for them and whatever I've learned from there is what I'm applying today. So like Devdas is one of my favorite movies and they have done an impeccable job in there. Thank you.
कैसे कंट्रीब्यूशन होने वाला है, क्या किरदार है आपका, थोड़ा सा अगर हमारी ऑडियंस को। इसमें जो इसके निर्देशक हैं हामिद अली सर, उन्होंने कहा है कि शक्ति कपूर सर जी के साथ पहले मेरा करेक्टर है निगेटिव करेक्टर है, और यह सुनकर के हम काफ़ी रोमांचित हैं। बहुत सारे सीरीजों में पंडित जी, आचार्य, धर्मात्मा, तांत्रिक वगैरह वगैरह, निगेटिव, पॉजिटिव, ऑल टाइप के करेक्टर हम कर चुके हैं, और एज ए सिंगर कई एल्बम हम कर चुके हैं। जो टी सी रिसीव रिलीज हुआ है, सरकी म्यूजिक कंपनी से रिलीज हुआ है, अभी हम अपनी कंपनी ए बी एस आर्ट क्रिएशन से कर रहे हैं, चलो सी डी पावन धाम मार्केट में है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, और अभी सावन महीने चालू होने वाला है, तो उसके लिए हम भगवान भोलेनाथ के ऊपर दो गीत जो है वेस्टर्न म्यूजिक पे कर रहे हैं, बहुत धमाकेदार है, और इस फिल्म में जो हमारा किरदार है वह सुन करके काफ़ी आनंदित होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वो एक्ट करने में, प्ले करने में मुझे बहुत ही रोमांच महसूस होगा और आनंद आएगा। बस दर्शकों का प्यार चाहिए, ये फिल्म सही ढंग से बने और रिलीज हो, दर्शक देखें और इससे आनंदित हों, उनका भरपूर मनोरंजन हो, बस यही हमारी शुभेच्छा है और यही हमारी जिज्ञासा है। बस